हे गाइस, माय नेम इज अरविंद। और हर प्राइस सेगमेंट में, अगर आप किसी भी प्राइस सेगमेंट में आप फोन खरीदने जाओगे, आपको कंपटीशन तो भर भर के देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो अंडर 10,000 वाली प्राइस ब्रैकेट है ना, इसमें आपको कंपटीशन नहीं, बोरिया मिलती है भर भर के। हर प्राइस सेगमेंट में कोई कंपनी फोन लॉन्च करती है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 कंपनीज हैं जो रेगुलरली फोन लॉन्च करती जाती हैं। और बात करें हम रेडमी की, रियलमी की, पोको की, तो इनके तो हर महीने 3 से 4 स्मार्टफोन आ जाते हैं। तो ऐसे में चूज करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ कौन सा स्मार्टफोन लें। चूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, लुक, बैटरी, चार्जिंग, सारी चीजों का जो मेजरमेंट एक फोन में मिले, तो हमको चूज करना है एक बेस्ट फोन जहां पे सारी चीजें कवर अप हो जाएं। क्योंकि खुशी जो होती है ना, वो ओवरऑल मिले तभी मजा आता है, एक तरफा खुशी में कभी मजे नहीं आते हैं। तो हजारों फोन्स में से 98% फोन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कचरा है, और 90% लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं और बिल्कुल बुद्धू बन के जाते हैं, वीवो, ओप्पो ऐसे स्मार्टफोन खरीद के लेके आते हैं। भाई वीवो ओप्पो के फोन अच्छे होते हैं, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं। इस प्राइस ब्रैकेट में आप खरीद लोगे तो हताश होने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के चलते मैं आपसे 4 स्मार्टफोन यहां पे शेयर करने वाला हूं जो सैमसंग, रियलमी, रेडमी और माइक्रोमैक्स की तरफ से आते हैं, और डेफिनेटली अपने आपको बहुत ऑलराउंडर दिखाते हैं, और मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो यहां पे आपको साइड में दिख रहे होंगे। तो सारी प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो कर देना है लाइक, और उसके बाद चैनल को खोलो अभी के भी सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे बिल्कुल मैंने रैंकिंग दी है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते रहेंगी फोन्स और बेस्ट बनते जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आज जो स्मार्टफोन निकल जाता है वो है माइक्रोमैक्स इन वन। ये इन वन भी नहीं है, इन नोट वन भी नहीं है, उसके बाद जो लॉन्च हुआ था ना माइक्रोमैक्स की ओर से, वो स्मार्टफोन है इन वन, जहां पे आपको 6.67 इंचेस की आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती है, मीडियाटेक हीलियो G80 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और ये आपको देता है स्टोक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। अब हीलियो G80 की जो पावर है ना, वो रियल पावर आपको यहां पे फील होने वाली है, क्योंकि जब स्किन चढ़ जाती है ना, चाहे रियलमी UI हो, MI UI हो, तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो उतनी पीक पे नहीं आ पाती है। तो यहां पे स्टोक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एकदम बेस्ट चीज हो जाती है। और माइक्रोमैक्स चूंकि इंडियन ब्रांड है, तो वो भी एक मतलब डेटा का भी कंसर्न नहीं रहता है। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा आपको सेटअप देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, USB टाइप सी है। तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और बैक में आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट। ये सारी चीजें मिलाने के बाद इसकी जो 4GB रैम, 64GB की जो प्राइस होती है, वो आपको देखने को मिलती है 9,999 रुपीज। तो इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक आपके डेटा को सुरक्षित रखना है, दूसरी चीज आपको एक बेस डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल रही है, और इसी के साथ बड़ी डिस्प्ले भी है, और गेमिंग भी आप करना चाहते हो थोड़ी हल्की फुल्की, तो इस फोन को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और उसके बाद जो अगला स्मार्टफोन मैंने इस प्राइस ब्रैकेट में रखा है, वो है Realme Narzo 20। अब मैं यहां पे रखने को Realme Narzo 30A भी रख सकता था, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको सजेस्ट किया है, लेकिन उसमें आपको ना तो 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता, ना 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, और जो डिजाइन है 30A की, वो भी मुझे बहुत चीप लगती है एज कंपेयर टू Realme Narzo 20 के। तो जो Realme Narzo 20 है ना, वो आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, लेकिन हालांकि यहाँ पे HD+ डिस्प्ले है, फुल HD+ डिस्प्ले आपको नहीं देखने को मिलती है। मीडियाटेक हीलियो G85 वाला प्रोसेसर है, जो मैं समझता हूँ कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर है, इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग, और उसके बाद आपको देखने को मिल जाती है 6000 mAh की एक मैसिव बैटरी, इसी के साथ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, USB टाइप सी इसमें भी आपको देखने को मिल रही है, इसी के साथ Realme UI पे बेस्ड है, और 4GB रैम, 64GB वाला जो रैम वेरिएंट है ना, वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा 9,999 रुपीज में। एक फन फैक्ट बताता हूं, इस वीडियो में जितने भी फोन आने वाले हैं ना, वो 9,999 के ही हैं। अगर आप डिस्काउंट्स वगैरह ऐड कर लेते हो तो आपको और ये सस्ते पड़ जाएंगे, अगर आपको कोई डिस्काउंट दिख रहा है तो ये जो फोन है Realme Narzo 20 गेमर्स के लिए बेस्ट है, और उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको एक बड़ी बैटरी चाहिए। तो इसका जो 4GB 64GB वाला रैम वेरिएंट है, वो आपको अंडर 10,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो इस प्राइस रेंज में मैंने अगला स्मार्टफोन जो रखा है, वो है Samsung Galaxy M12। ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था,
सैमसंग की तरफ से आता है और सैमसंग की तरफ से आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिल जाए, ये कभी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि ये गेमर्स के लिए नहीं है, जो गेमिंग करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली में किसी को देना चाहते हो, किसी गार्जियन को आप देना चाहते हो, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत कमाल की डील हो जाएगी। पहली बात तो सैमसंग की तरफ से आ रहा है तो उनको एक ब्रांड वैल्यू का कंसर्न नहीं रहेगा, आपका डेटा सेफ है। तीसरी चीज, आफ्टर सेल सर्विसिंग भी बेस्ट है। और उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले और ये 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को लेके आता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई सैमसंग की ओर से कोई फोन अंडर 10,000 के प्राइस रेंज में आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ आपको इसमें HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, फुल HD नहीं देखने को मिलेगी। और ये आता है अपने Exynos 850 प्रोसेसर के साथ। अब इस प्रोसेसर की खास बात क्या है कि ये 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है। इसका मतलब आपकी जो बैटरी होगी वो बहुत ही कम कंज्यूम होने वाली है। इसके साथ अगर आप, मैं आपको कंपेयर करूं स्नैपड्रैगन के किसी प्रोसेसर से, तो ये प्रोसेसर आपको पावर जनरेट करके देगा ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 665 जितनी। तो आप कंपेरिजन कर सकते हो कि कहां पे ये स्टैंड करता है। और इसी के साथ इसमें देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का ट्रू क्वाड रियर कैमरा। तो कैमरा के मामले में भी कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस प्राइस रेंज में। 6000 mAh की बैटरी है विद 15 वोल्ट ऑफ फास्ट चार्जिंग USB टाइप सी के साथ। अब यहां पे बेस्ट चीज बन जाती है कि 6000 mAh की जो ये बड़ी सी बैटरी है ना, ये आपके ऑलमोस्ट 2 दिन निकालने वाली है। पूछो क्यों? यहां पे सीन ये है कि जो 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ जो प्रोसेसर है वो आपकी बैटरी को बहुत ही कम कंज्यूम करेगा। वरना कोई भी प्रोसेसर जो मैंने आपको बताया वो 11 या 12 नैनोमीटर से कम में नहीं है। तो ये चीज आप देख के चलोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। तो ये सैमसंग की तरफ से आने वाला बिल्कुल बेस्ट फोन है इस प्राइस रेंज में, अगर आप गेमिंग नहीं करते हो तो। और 4GB 64GB की रैम वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस जो है वो 9,999 रुपीज है। अगर आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट और सबसे बेस्ट स्मार्टफोन मैंने इस प्राइस ब्रैकेट में रखा है ना, वो है Redmi 9 Power। अब Redmi 9 Power को चूज करने के पीछे मतलब है, मैं प्राइम को भी चूज कर सकता था, क्यों नहीं किया? क्योंकि 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा नहीं देखने को मिलता, उसमें 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर नहीं देखने को मिलता, स्टेरियो स्पीकर्स नहीं देखने को मिलते, 6000 mAh की बैटरी नहीं देखने को मिलती। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता अगर आप 9 प्राइम के साथ जाते। तो आपको Redmi 9 Power में क्या देखने को मिलता है, 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है और उसी के साथ Snapdragon 662 वाला प्रोसेसर है जो 11 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है। इसी के साथ 6000 mAh की बैटरी है, 18 वोट की फास्ट चार्जिंग है और USB टाइप सी आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। और अगेन इसकी जो 4GB 64GB रैम वेरिएंट के लिए प्राइस है वो है 9,999 रुपीज। तो इस फोन के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो, जो यूथ है ना उसके लिए मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट फोन है, वैल्यू फॉर मनी है। और जिनको मतलब ऐसे ब्रांड से इतना ज्यादा लगाव नहीं है, भाई सैमसंग का ही चाहिए या फिर कोई सोनी वगैरह का ही चाहिए, तो उनके लिए आई थिंक ये सबसे बेस्ट फोन है। तो ये इतने सारे फोन हैं, बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, वहां पे जाके आप सीधा परचेज कर सकते हो जब लॉकडाउन खुल जाए और ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट हो जाए उसके बाद। तो वैसे यार अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक कर देना है और उसको करना है शेयर, और हाँ चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है और करना है बेल आइकन को प्रेस। एज यूजुअल हैव फैंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।